दोस्तों आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि एक्सेल में एक डिजिटल बिलिंग को कैसे क्रिएट करें। इसी के बारे में आपको इस वीडियो में पूरी लाइव दिखाऊंगा। गाइज इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, जिनसे कि दोस्तों आप एक्सेल में एक डिजिटल बिलिंग को अपना क्रिएट कर सकते हैं। गाइज इसके लिए सबसे पहले आपको एक्सेल को ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक्सेल को यहाँ से ओपन करेंगे तो राइट साइड में आपको ऊपर में प्लस का आइकन दिखेगा और पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको सीट को सिलेक्ट कर लेना है इतना दूरी के, और नीचे में आना राइट साइड में और इसे यहाँ पे मार्ज सेंटर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपकी शॉप की जो भी नाम है गाइस अपना डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैं अपने शॉप का नाम डाल देता हूँ जो भी है दोस्तों। गाइस यहाँ से मैंने अपने शॉप का भी नाम डाल दिया। इसे आप थोड़ा सा बोल्ड करेंगे और इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। जितना बड़ा करना चाहते हो बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। नीचे में आना है इसको और यहाँ पे आपको गाइस क्या करना है, मर्ज सेंटर करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आएंगे और इसको भी मर्ज का सेंटर कर देंगे यहाँ से, और यहाँ पे आपको एड्रेस जो भी आपकी एड्रेस है शॉप की यहाँ पर आप डालेंगे। तो गाइस मैंने यहाँ से इसको एड्रेस डाल दिया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इसको पहले सेव करेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक है। और उसका जिसे थोड़ा बोल्ड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो भी पिन कोड है यहाँ पे डालेंगे। तो पहले इसको क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप डाल दीजिए और उसका इसको यहाँ से सेव करेंगे और इसे फिर बोल्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ से फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको भी मर्ज करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बिल इनवॉइस, ठीक है। इसको यहाँ से सेव करेंगे और फिर यहाँ पर आएंगे और इसको यहाँ पर आपको बोल्ड कर देना है, ठीक है गाइस। और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना क्या है, सीरियल नंबर, एसएन नंबर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस दे दीजिए थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है नेम ऑफ आइटम, ठीक है, नेम्स ऑफ आइटम। और उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको क्या लिखने हैं, रेट। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी, और यहाँ पे आपको लिखने का इस अमाउंट, ठीक है। अब सारे को आपको क्या करने, बोल्ड कर देने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबको बोल्ड कर देता हूँ, तो गाइस यहाँ से मैंने सबको देख सकते कि यहाँ पे बोल्ड कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ से आएंगे और यहाँ पे ऑल बॉर्डर करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लियर ऑल बॉर्डर करेंगे तो आपका ये बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे बॉर्डर भी लग चुका है आपका, जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इसको सबसे पहले आपको मर्ज करना है, ठीक है। और जैसे इसको यहाँ से मर्ज करेंगे और उसके बाद गाइस यहाँ से आपको लिख देना है, यहाँ से ऑल बॉर्डर करना है, ठीक है, ठीक है। ये ऑल बॉर्डर हो जाएगा और इसको भी आप यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना क्या है, आपको टोटल अमाउंट लिखना है, ठीक है। और उसके बाद गाइस यहाँ पे फिर आना है और इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है और इसको सबसे पहले आपको करना क्या है, मर्ज करना है, ठीक है। और इसके बाद इसको बॉर्डर लगा देना है, तो बॉर्डर लग चुका है। और यहाँ पर भी आना है और इसको यहाँ पर आपको बॉर्डर लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बॉर्डर लग चुका है, फिर यहाँ पे आएंगे इसको मर्ज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले बॉर्डर लगाना है, ठीक है। तो बॉर्डर लग चुका है और यहाँ पे भी आपको बॉर्डर लगा देना है, ठीक है गाइस। तो बॉर्डर देख सकते हैं यहाँ पे लिख और इसको यहाँ पे बोल्ड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको जीएसटी जितना भी आप पे कर रहे हैं यहाँ पे जीएसटी लिखेंगे, तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, सीरियल नंबर अपना डालना है जो भी सीरियल नंबर है, ठीक है। और उसके बाद गाइस आपका नेम ऑफ आइटम जो भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उसका नाम डालेंगे, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गाइस। और यहाँ पे रेट जो भी आपकी यहाँ पे रेट डालेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी जितनी आप डाल दीजिए, ठीक है। क्वांटिटी मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब आपको यहाँ पर फार्मूला लगाना है गाइस, यहाँ पर इस इक्वल टू लिखना है और उसके बाद यहाँ पर रेट जो है वो लिख दीजिए, ठीक है गाइस। अब आपको यहाँ पे इनटू लिखा मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखना है और उसके बाद क्वांटिटी जो भी है यहाँ पे लिखेंगे,
तो मैं क्वांटिटी लिख देता हूँ, जो भी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे क्वांटिटी बनके मेरा ये अमाउंट टोटल आ चुका है गाइस। अब क्या करना है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है और टोटल सीट में ला कर यहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो गाइस यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना है। यहाँ पे राइट साइड में नीचे भी देख सकते हैं ऑटो सम का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे सम करेंगे तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा। जीएसटी लगाना है, ठीक है। तो जीएसटी में क्या करना है, आपको इक्वल टू लिखना है पहले, ठीक है। इक्वल टू लिखने के बाद आपको टोटल पे आने हैं, ठीक है। टोटल पे आने के बाद यहाँ पे मल्टीपल लिखना है और गाइस उसके बाद क्या करना है, जीएसटी 15% है तो 15/100 लिखना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे राइट साइड में इसे टिक करेंगे तो आपका जीएसटी यहाँ पे लिख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रैंड अमाउंट को क्या करना है, तो यहाँ पे ग्रैंड अमाउंट को दोनों को पहले यहाँ पे आने हैं और सीट को तीनों को सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे ऑटो सम वाले ऑप्शन पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपका ये ग्रैंड अमाउंट निकल जाएगा। तो 100 व्हील बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में पूरी गाइस बता दिया हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।